हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह हम हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइब्रेरीज़। पाइथन में वर्क करने के लिए लाइब्रेरीज़ बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही यूज़फुल है, और बहुत सारे फ्री लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी मदद से डाटा फेच से लेके डाटा एनालिसिस तक हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लाइब्रेरीज़ को बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक फोल्डर बना लीजिए, जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया है पाइथन, और बाद में उस फोल्डर के अंदर अपना सब काम करिए, जिससे आप अपना सभी वर्क एक जगह रख सकें। और फोल्डर बनाने के बाद में आपको फाइल में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर ओपन फोल्डर में क्लिक करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के अंदर जो पाइथन वाला फोल्डर मैंने बनाया था उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर में क्लिक करेंगे, तो ये फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद में जब आप यहाँ पर न्यू फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी पहली फाइल बनेंगे मेन डॉट पाई, तो अभी आप देख सकते हैं मेन डॉट पाई ये फाइल हमारी खुल चुकी है और यहाँ पर रन का बटन आ चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह से बनाएंगे तो आपके पास में इस तरह से रन का बटन नहीं आएगा, और नीचे यहाँ पर एक पॉपअप आएगा पाइलेंस को इंस्टॉल करने का, क्योंकि बिना पाइलेंस के इंस्टॉल किए विजुअल स्टूडियो कोड पाइथन की फाइल को रन नहीं कर सकता। और अगर आपके पास में ऐसा कोई पॉप नहीं आता है और फिर भी इस तरह का प्ले का बटन नहीं आता है, तो आप सिंपली एक्सटेंशन में जाकर आप देख सकते हैं चार बटन एक्सटेंशन का बटन है, इसमें क्लिक करके यहाँ पे लिखिए पाइलेंस। तो आप जैसे ही पाइलेंस लिखेंगे इस तरह से आपके पास दो ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर अनइंस्टॉल बता रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पर आपका इंस्टॉल बताएगा। आप यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक करेंगे तो पाइलेंस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये रन वाला बटन दिखाई देगा, तो इस तरह से आपको सबसे पहले पाइलेंस को इंस्टॉल करना है। इसके बाद में आपको लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करनी है, तो पाइथन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पांडास। पांडास के अंदर हम किसी भी डाटा फ्रेम को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, और इसकी मदद से हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। और पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, इसके लिए आपको यहाँ पर टर्मिनल में जाना है और न्यू टर्मिनल में क्लिक करना है। तो आप देख सकेंगे नीचे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा, यहां पर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, PIP इंस्टॉल पांडास, और उसके बाद में इंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप जैसे ही इंटर में क्लिक करेंगे तो पांडास लाइब्रेरी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह आप सिंपली लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाद में हम हमारे कोडिंग के अंदर इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे और उसकी मदद से डेटा एनालिसिस करेंगे। तो जिस फंक्शन के लिए हमें जिस लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है मैं उस वीडियो के अंदर उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो को देखकर पांडास की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिए, और सभी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने का यही तरीका है पिप इंस्टॉल और उसके बाद में उस लाइब्रेरी का नाम। लेकिन लाइब्रेरी का नाम आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखना है, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, और अगर लाइब्रेरीज के अंदर कोई लेटर कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में लिखना होगा। एक्सेल में आप स्मॉल में लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट होकर कैपिटल हो जाता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई चीज स्मॉल में लिखेंगे और दूसरी चीज कैपिटल में लिखेंगे तो पाइथन इन दोनों को अलग अलग मानता है, तो इसलिए आप इस चीज का फ्यूचर में हमेशा ध्यान रखिए। तो ये बहुत ईजी तरीका है लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने का। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने इस वीडियो में शेयर की है इसकी मदद से लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने में आपको आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।